तो प्रोग्राम क्या है जी, इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सब्सिडरी प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम एक्टिविटीज। नाउ बात थोड़ी बढ़ गई, बात अब वहां तक नहीं रही कि प्रोग्राम में सिर्फ प्रोजेक्ट होते हैं, बेशक होते हैं, प्रोजेक्ट प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ प्रोजेक्ट्स, मगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर। और एक बात तो ये कि दे ऑल दीज प्रोजेक्ट मस्ट बी रिलेटेड, उनका आपस में कोई रिश्ता होना चाहिए। लेकिन एक और बात भी सोचिए, ये भी तो मुमकिन है कि प्रोग्राम इतना बड़ा हो कि उसके अंदर को 150 प्रोजेक्ट आता हो। तो आप क्या करते हैं कि अरे प्रोग्राम के मकासद अगर इतने ज्यादा बड़े हैं तो आप उसको सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर सब प्रोग्राम के नीचे फिर आप प्रोजेक्ट डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोग्राम के नीचे प्रोजेक्ट डायरेक्टली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको मैं सब्सिडरी प्रोग्राम कहता हूँ। सब्सिडरी प्रोग्राम का मतलब है सब प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के नीचे प्रोग्राम, सब प्रोग्राम। तो इसका मतलब है प्रोग्राम के नीचे सब प्रोग्राम भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने भी सब प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनका इंतजाम इंतजाम संभालने के लिए प्रोग्राम मैनेजर की एक अपनी छोटी सी टीम होगी जो इन सब चीजों का हिसाब किताब रख रही होगी, कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है, क्या हिसाब किताब हो रहा है। तो मतलब ये उसकी रनिंग ऑफ प्रोग्राम के लिए कुछ प्रोग्राम की अपनी एक्टिविटीज होंगी जो यूनिफाई कर रही होंगी उन तमाम रिजल्ट्स को जो प्रोजेक्ट से सब प्रोग्राम से आ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम एक्टिविटीज। तो तीन किस्म की चीजें हो सकती हैं प्रोग्राम में, इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं, सब प्रोग्राम्स हो सकते हैं और प्रोग्राम की अपनी जाती एक्टिविटीज हो सकती हैं। ये तीनों चीजें मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू ऑब्टेन, अब यहां ये जरूरी नोटिस कीजिए, लफज बेनिफिट्स। बेनिफिट का लफज आया है, मतलब आउटकम की बात होने लगी है। दिस इज बियॉन्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट वाज टॉकिंग ओनली अबाउट द आउटपुट, आउटकम या बेनिफिट was not the responsibility of the project manager, but it was the responsibility of someone else who ordered the project. School chalane ki zimmedari project manager ki nahi thi, banane ki thi. Ab wo chalane ki zimmedari ho jiske paas hai wo benefit ka zimmedar hai na, lekin ye jo program manager hai ye benefit ka zimmedar hai. Ye sare jo project uske niche chal rahe hain ye na sirf un projects ko chalwayega, unse product niklwayega, output niklwayega, बल्कि उनके आउटपुट्स को प्रोग्राम, उनके आउटपुट्स को आउटकम में कन्वर्ट या बेनिफिट में कन्वर्ट भी वही कराएगा और उससे ओवरऑल प्रोग्राम के बेनिफिट को अचीव करने की कोशिश करेगा या करेगा। सो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि इंडिविजुअली इन प्रोजेक्ट को चलाने से नहीं मुहैया हो सकते थे, लेकिन इनको प्रोग्राम की सूरत में जोड़ देने की वजह से वो एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट आपने गेन किया, एक ओवरऑल बेनिफिट आपने गेन किया और उस बेनिफिट को अचीव करने की पूरी जिम्मेदारी प्रोग्राम मैनेजर के पास है। इसका मतलब है अगर एक स्कूल ने अगले 5 साल तक बेनिफिट देना था तो अब तो वो सारा स्कूल इसके अंदर आ गया प्रोग्राम के अंदर, तो अगर प्रोग्राम के अंदर आ गया तो वो 5 साल भी उसके अंदर आ गए। 1 साल स्कूल बनाने का और 5 साल, इसका मतलब है कि वो बेनिफिट के यील्ड होने तक प्रोग्राम उसके अंदर है। तो प्रोग्राम उस वक्त तक चलता है जब तक सारे प्रोजेक्ट अपने बेनिफिट यील्ड ना कर दें और अल्टीमेटली प्रोग्राम का बेनिफिट पूरा ना हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोग्राम की लाइफ इनहेरेंटली एक आम प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी होती है। अगर प्रोजेक्ट जो है वो 1-2 महीने या 1-2 साल या 5 साल का होगा तो ये शायद 20-25 साल का भी हो सकता है। तो प्रोग्राम कहने को छोटा भी हो सकता है, 1 साल का प्रोग्राम भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर प्रोग्राम काफी लंबे होते हैं। और चूंकि ये काफी लंबे होते हैं तो इसके ऑर्गेनाइजेशनली इनके अपने स्ट्रक्चर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मंगला डैम, तो मंगला डैम की पूरी कॉलोनी बन गई थी। मंगला डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया एक पूरी कॉलोनी आबाद होगी और कई साल तक वो काम होता रहा, वो प्रोग्राम था पूरा। और जब वो प्रोग्राम मुकम्मल हुआ तो उसका क्वांटम या उसका इनर्शिया इतना ज्यादा था कि उसका अपना जैसे 15 साल या 10 साल वो बनता रहा होगा, तो वो 10 साल तक का एक ऑर्गेनाइजेशन ही बन गई। मंगला डैम हैड बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इटसेल्फ। तो जो प्रोग्राम होते हैं दे बिहेव लाइक ऑर्गेनाइजेशंस,
एंड इंटरेस्टिंगली वो जो प्रोग्राम एक्टिविटीज है ये दरअसल उस प्रोग्राम के अंदरूनी ऑपरेशन है. अंदरूनी ऑपरेशन, प्लीज अगेन डू नॉट कंफ्यूज देम विद द ऑपरेशन operations management of the organization, because I am not talking about the organization. I am talking about running the program, and within the program jo uski daily activities hain unko main program activity keh raha hu, aur wahi usi ko maine kaha ki ye program ka andruni operation hai. So janab, program ka maqsad jo hai wo deliverable deliver karna nahi hai, output deliver karna nahi hai. Program ka maqsad benefit deliver karna hai, realize karna hai, ya आउटकम डिलीवर करता है. आउटकम, बेनिफिट और आउटकम एक ही चीज है. प्रोग्राम्स को हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. ना ना ना, प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का क्या होता है? प्रोजेक्ट का आउटपुट होता है, प्रोग्राम का आउटकम होता है. प्रोजेक्ट से डिलीवरेबल निकलता है जो कि प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट की सूरत में, प्रोग्राम से बेनिफिट रियलाइज होता है जो कि आउटकम है उसका. A very large project may be referred to as a mega project. आप कहेंगे यार ये project है बहुत बड़ा हो गया, project घुमाना नहीं जा रहा हमसे, तो आप उसको program नहीं कहना शुरू कर देंगे. Until the time it is producing our deliverable or you are only responsible for making the deliverable, it is a mega project. ज़्यादा से ज़्यादा. और कुछ लोगों ने define कर रखा है as a guideline, mega project ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी $1 billion से ज्यादा की कॉस्ट की चीज होगी तो वो मेगा प्रोजेक्ट कहलाएगी. सर या कोई ऐसी आपने डेफिनेशन उसकी बना रखी है, वो हर इदारे हर मुल्क में अपनी अपनी डेफिनेशन है. मगर मेगा प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पे एक है, एक घर बनाना एक प्रोजेक्ट है, एक है पूरी कॉलोनी बनाना एक प्रोजेक्ट है. भाई कॉलोनी तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसमें तो 1000 घर है, तो शायद वो एक मेगा प्रोजेक्ट है. बट इट डज नॉट बिकम अ प्रोजेक्ट प्रोग्राम अंटिल एंड अनलेस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेनिफिट. अगर आप कहें इस कॉलोनी को चला बनाना चलाना और बात करना और इसको अगले 25 साल तक चलाना, ये शायद एक प्रोग्राम बने और इसका एक बेनिफिट होगा जो आप यील्ड करेंगे. अभी वो बेनिफिट मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन कोई बेनिफिट उसका होगा. मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि वी वॉन्ट क्या कहते हैं पॉपुलेशन टू इंक्रीज इन दिस एरिया और सेटलमेंट टू बी रेगुलराइज इन दिस एरिया, और उसका ये लेवल अपने अचीव करना है अगले 25 सालों, जिसके लिए आपने ये स्कीम बनाई, ये किया वो किया और सारा सब. एग्जाम्पल इस्लामाबाद जैसे बना था. इस्लामाबाद में कुछ नहीं, गांव शाव ही थे ना पहले. उन्होंने कहा जी इस एरिया को आबाद करना है हमने, इसको कैपिटल बनाना है, और उस हवाले से उन्होंने जनाब उस एरिया को डेवलप किया, पूरे एरिया को डेवलप किया ओवर मेनी ईयर्स. सो दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और उसके बेनिफिट्स आपके सामने, एक बड़ा वेल डिसिप्लिन वेल ऑर्गेनाइज किस्म का स्टडी आपके सामने है.